डीन के चेहरे के अजीबोगरीब भावों को अदिति समझ नहीं पाई और वो वहां से चली गई। अदिति के कॉलेज के डीन डॉक्टर कुलभूषण प्रसाद वर्मा, जितना दमदार नाम उतनी कठोर शख्सियत, अपने उसूलों के पक्के, इरादों के मजबूत इंसान थे। अदिति को हिदायत तो दे दी कि किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उन्हें डर था बातें हवा की तरह फैलती हैं और इससे नुकसान उनके कॉलेज के नाम को ही होगा। उन्हें अपने इस कॉलेज का नाम बनाने में कई वर्ष लगे थे। उन्होंने अदिति के जाते ही रूम लॉक किया और एरिया के ACP और उनके दोस्त प्रवीण जोशी को कॉल किया। उस वक्त उनका फोन बिजी आ रहा था। उन्होंने अपने काम एक तरफ किए और मेघा की डायरी के पेजेस पढ़ने लगे। अदिति ने तीन लड़कों का नाम लिया था, पर डायरी में बस राजीव का नाम है। हो सकता है राजीव ने कुछ किया हो, पर विपिन और मनोज बस उसकी दोस्ती की वजह से फंस रहे हो। वो डायरी पढ़ते हुए सोच ही रहे थे कि ACP प्रवीण का फोन आ गया। हेलो सर, आपने आज कैसे याद किया? ऑल वेल। कुलभूषण जी के फोन उठाते ही वो बोले, प्रवीण सर, सॉरी मैंने आपको इस समय डिस्टर्ब किया, थोड़ा अर्जेंट था, क्या आप मिल सकते हैं मुझसे? कुलभूषण जी बोले, बिल्कुल, मैं उसी एरिया में आ रहा हूँ, आपसे भी मिल लूंगा, ACP प्रवीण बोले। कुछ देर बाद ACP डॉक्टर कुलभूषण के हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंच गए। कैबिन पहुंचते ही उन्होंने पूछा, मैं कॉमन सर, प्लीज कम, कहते हुए एक सज्जन की तरह कुलभूषण जी ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और प्यून को दो चाय लाने को कहा। प्यून के जाते ही ACP बोले, बोलिए सर, आपने कैसे याद किया? कुलभूषण जी ने उन्हें बात बतानी शुरू की। जैसा जैसा अदिति ने उन्हें बताया वो बताते गए। पूरा मामला समझने के बाद वो बोले, सर मैं ये नहीं जानता क्या सही है क्या गलत, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आज इन्वेस्टिगेशन करे इस चीज का ध्यान रखे कि कॉलेज का नाम खराब ना हो। आप निश्चिंत रहिए, क्या मैं ये पन्ने देख सकता हूं? ACP ने पन्ने पढ़े और कहा, यहां तो बस राजीव का नाम है, बाकी दो लोगों का जिक्र जो कि उस लड़की ने आपके सामने किया, ऐसा कुछ तो नहीं है यहाँ। जी मैं भी वही सोच रहा था, कुलभूषण बोले, मैं एक काम करता हूँ, राजीव के फ्लैट पर एक टीम को भेजता हूँ, अगर कुछ हाथ लगा तो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। कई बार लड़कियां खुद प्यार में नाकाम होने पर कुछ भी इल्जाम लगा देती हैं। हो सकता है मेघा ने भी बस यूं ही लिख दिया हो, ACP बोले। जैसा आपको ठीक लगे, कुलभूषण जी बोले। ठीक है, मैं उसका फ्लैट चेक करता हूँ, कुछ भी जरूरत लगी तो मैं आपको फोन करूंगा, ACP बोले। जो भी हो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा, पिछले साल भी विपिन और मनोज पर कुछ इल्जाम लगे थे, पर वो दोनों निर्दोष साबित हुए थे। कुछ सोचते हुए कुलभूषण जी बोले। ACP जोशी ने उन्हें चिंतित देखा तो कहा, आप फिक्र मत कीजिए सर, यह हमारा उसूल है, 100 गुनहगार बच जाए तो चलेगा, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलवाएंगे। इतना कहते हुए वो हाथ मिलाकर चले गए। डीन ने अपना फर्ज पूरा किया। इधर अदिति को पता भी नहीं था कि किन लोगों से उसने पंगा ले रखा है। जो लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं बिना सबूत छोड़े, मर्डर और बच्चे अगवा कर सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते? एक फ्लैट में रखे हुए सबूत मिटाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? अगले दिन ACP ने राजीव के फ्लैट पर सर्च वारंट के साथ अपनी टीम भेजी। टीम ने कोना कोना छान लिया पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फ्लैट में रखे सबूत तो मेघा के देखने के तुरंत बाद ही वहां से हटा दिए गए थे। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था उनके पास राजीव के खिलाफ। ACP ने ऑर्डर दिए कि पूछताछ के लिए राजीव को पुलिस स्टेशन लाया जाए। अदिति को जब पता चला कि राजीव का फ्लैट चेक किया गया है और डीन ने उसकी मदद की, वो बहुत खुश हुई। देख मैंने कहा था ना डीन मदद करेंगे, उनकी ईमानदारी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, और सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने मेरा नाम नहीं आने दिया। अब देख हम भी सेफ और वो लोग अंदर, खुश होते हुए अदिति सिया से बोली। हाँ यार, अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, हमारी डीन की तरह, सिया ने जवाब दिया। राजीव को पुलिस स्टेशन लाया गया। अब विपिन और मनोज चौकन्ने हो चुके थे, उनका नेटवर्क
बहुत तगड़ा था। उन्हें भनक लग गई थी कि अदिति ने डायरी के कुछ पन्ने जिसमें राजीव के फ्लैट में कुछ होने का दावा है वो पुलिस तक पहुंचाया है। राजीव से अगले 4-5 दिनों तक काफी पूछताछ की गई। उसने इन सब में कोई हाथ ना होने का दावा किया और उसने मेघा पर ही उसके गले पड़ने और उसे हैरिस करने का इल्जाम लगा दिया। सबूतों के अभाव में राजीव को छोड़ दिया गया। अब राजीव और विपिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब उन्होंने अपने लड़कों से अदिति का रूटीन फॉलो करवाया, कहां जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। उन्हें पता चला कि वो झुग्गियों में जाकर बच्चों के बारे में भी पता कराई है। अदिति इन सब से बेखबर या कह सकते हैं वो निश्चिंत थी, क्योंकि उसके अनुसार राजीव, विपिन सब जेल में है। उसे ये पता भी नहीं था कि राजीव अब छूट चुका है। वो अपनी ही दुनिया में खोई आदित्य के एग्जाम निपटने का इंतजार कर रही थी और आज उसका लास्ट पेपर था। आदित्य एग्जाम सेंटर से सीधा घर आया और दौड़ के अपनी रूम में जाने लगा। रीना जी ने उसे आवाज देकर कहा, रुक, कहां जा रही है तेरी ट्रेन? पेपर कैसा था? अच्छा सुन, तेरे लिए नींबू पानी बना दूं? और न जाने कितने सवाल एक साथ दाग दिए उन्होंने। अरे होल्ड ऑन, सब बढ़िया हुआ है। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी है, कल मुंबई जाना है तो अपने जरूरी पेपर्स सब रखने हैं। आपसे बाद में मिलता हूँ। कहते हुए आदित्य रीना की गाल खींचते हुए अपनी रूम की तरफ भाग गया। अब रीना जी को कौन बताए लड़का बड़ा हो गया है। काम तो बहाना था, असल मकसद तो किसी से मिलने जाना था। उसने रूम में जाते ही अदिति को कॉल किया। आज अदिति उसके फोन का इंतजार कर ही रही थी। उसने प्रॉमिस किया था कई दिनों के बाद आज वो बात करने वाली थी। एक रिंग में उसने फोन उठा लिया। आय हाय, कोई इंतजार कर रहा था हमारा, आदित्य उसके फोन उठाते बोला। नहीं, गलत फहमी हो गई आपको, वैसे आप बोल कौन रहे हैं, अदिति इतराते हुए बोली। क्या बात है, लगता है कोई बात मिस कर रहा था हमें, आदित्य उसे दोबारा छेड़ने लगा। चुप करो, अच्छा ये बताओ कैसे हो, वो आगे बोली। मैं मस्त, तुम कैसे हो? आफ्टर 15 डेज, हाँ बहुत लंबा ब्रेक हो गया इस बार, आदित्य धीरे से बोला। हाँ यार, मिस किया तुझे, अदिति बोली। अच्छा पेपर कैसे हुए तुम्हारे, कुछ किया भी या डब्बा गोल है, कहते हुए वो हंसने लगे। रैंक होल्डर बनना है आपका, और हाँ डब्बा गुल हुआ तो जिम्मेदार तुम ही रहोगे, फिर मैं पूरी लाइफ तेरी हाउसवाइफ बन के रहूंगा, कहते हुए वो हंसने लगा। अदिति को भी हंसी आ गई। इतनी फालतू की बातें आती कहां से है तुम्हें, वो बोली। बस मैडम ऐसे ही अपना तो। अच्छा सुन, कल दोपहर तक मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, आदित्य बोला। अरे मुंबई क्यों आ रहे हो तुम, अदिति अनजान बनते हुए बोली। अदिति की बच्ची मार खाएगी तू किसी दिन, आदित्य बोला। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे आदि, अदिति मासूमियत से बोली। तो घरेलू हिंसा के जुर्म में ना बंद करवा दूंगी, ओ मेरी झांसी की रानी। बस हाँ सुन, 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और फिर रोहित के फ्लैट पर जाऊंगा, देन आ जाऊंगा तुमसे मिलने, आदि एक्साइटेड होकर बोला। कहाँ मिलोगी जगह बताओ, तुम्हें कल बताऊंगी क्या क्या हुआ इन 15 दिनों में, बात करने के लिए ना तड़प गई थी मैं, अदिति ने जवाब दिया। सच में, मुझे भी बहुत कुछ कहना है तुमसे, मरीन ड्राइव पर मिले कल 6 बजे, आदित्य ने कहा। ठीक है, पास भी है, वहां तो मैं और सिया कई बार स्कूटी से ही पहुंच जाते हैं। आदि जल्दी से आ जाओ, अब तो ये दिन भी नहीं निकल रहा, आदिति बोली। हाँ यार अजीब सा फील हो रहा, तुम्हें पहचानूंगा कैसे, एकदम ख्वाब जैसा लग रहा है, आदित्य बोला। अच्छा अपनी ड्रेस का कलर ही बता दे जो कल पहनने वाली है, पता चला किसी और को अदिति समझ लिया तो जूते पड़ेंगे। बस दोनों का ना रोकने वाला बातों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या पहनना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, सब कुछ तय होने लगा। वो बातें कर ही रही थी कि सिन्हा जी घर लौटे। उन्होंने आदि को आवाज लगाई। सुन अभी रखता हूँ मैं तुझे, कल सुबह फोन करता हूँ निकलने से पहले, वो बोला। हाँ ठीक है बाय, अदिति बोली। सुन आई लव यू, कल टाइम पर आ जाना, अब इंतजार नहीं होगा मुझसे, आदित्य बोला। I love you too, आदि, इंतजार मुझसे भी नहीं हो रहा, कल मिलती हूँ शाम 6 बजे, वो बोली।
नहीं, आधा पौना घंटा पहले आ सके तो आ जाना, मैं भी कोशिश करूंगा। आदित्य की बेकरारी झलक रही थी। पागल, जाओ, अंकल बुला रहे हैं ना, कहते हुए आदिति हंसने लगी। अब आदिति के पैर जमीन पर नहीं थे, अपनी पूरी अलमारी के कपड़े ट्राई कर लिए उसने। ये पहनूं या वो पहनूं, ऐसे हेयर स्टाइल बनाऊं या वैसे, बुरी तरह से सिया को पका चुकी थी वो। बहुत खुश थी आज आदिति, क्योंकि उसकी मुलाकात जल्द ही आदित्य से होने वाली है। जैसे तैसे वो रात गुजरी। अगले दिन अदिति ने कॉलेज जाने से पहले आदित्य को कॉल किया। आदित्य सो रहा था, रिंग आते ही उसने फोन उठाया। गुड मॉर्निंग, सब तैयारी हो गई, वो उसका फोन उठाते ही बोली। गुड मॉर्निंग, हाँ सब डन, तुम कॉलेज के लिए नहीं निकले अभी, आदित्य सोते हुए बोला। बस निकल ही रही हूँ, सुनो शाम को 4-5 बजे फ्री हो जाऊंगी, तब बात करती हूँ, आप फोन नहीं कर पाऊंगी, तुम अच्छे से आना एकदम सेफली, आदिति ने कहा। हाँ बिल्कुल, जल्दी से मिलता हूँ, आदि बोला। हैप्पी जर्नी एंड बाय, कहते हुए उसने फोन रख दिया। आदित्य उठा, फ्रेश होकर अपना नाश्ता किया और निकल गया एयरपोर्ट के लिए। वहां से उसने फ्लाइट ली और पहुंच गया मुंबई। मुंबई पर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर उसने टैक्सी ली और रोहित के पास पहुंच गया। रोहित उसका कॉलेज का दोस्त था, अब मुंबई जॉब कर रहा था। फ्लैट पर पहुंचते ही रोहित ने उसका वेलकम किया। कम से कम कुछ तो काम निकाल के आया भाई तू मुंबई, रोहित ने उसे कहा। थोड़ी देर रुकने और बातें करने के बाद वो रेडी होने लगा। व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, गॉगल, हाथ में घड़ी और स्प्रे मार के तैयार। रोहित ने देखा तो पूछा, इतना हीरो बन के कहां जा रहे तू? अभी कुछ काम से मुझे जाना है, आदित्य रेडी होते हुए बोला। अभी तो आया है, कल काम करना, रोहित ने जवाब दिया। नहीं यार, कुछ पर्सनल है, मैं जाकर आता हूँ, उसने जवाब दिया। रुक, बाइक ले जा, जल्दी पहुंच जाएगा, मैप लगा लेना, कहते हुए रोहित बाइक की चाबी ले आया और उसे दे दी। थैंक्स यार, कहते हुए वो निकल गया। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसने बाइक उठाई, मैप लगाया और निकल पड़ा। इधर अदिति अपने आदि से मिलने को बेकरार थी। कॉलेज से आते ही वो भी तैयार होने लगी। पिंक कुर्ता, ब्लैक जीन्स, कानों में बूंदे, बालों में कर्ल, हाथों में ब्रेसलेट, हल्का सा लिप ग्लॉस, आंखों में काजल। मर जाएगा तुझे देखते ही, मिलना तो दूर, कितनी कातिल लग रही है यार तू, सिया उसे छेड़ते हुए बोली। चुप कर, कहते हुए वो हंसी। सिया ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें, तू ना मरेगी मेरे हाथ से, कहते हुए अदिति ने उसका मुंह बंद किया। मुझे भी ले चलना तेरे साथ, सिया उसके गले में हाथ डाल के बोली। सिया की बच्ची, नो कबाब में हड्डी आज, तुझे भी मिलवाऊंगी ना उससे जल्दी, चल भाई जल्दी लौट कर आऊंगी, वो बोली। अदिति निकलने ही वाली थी कि आदि का फोन आ गया। पहुंच गए तुम, जल्दबाजी में वो बोली। हाँ मैडम, जल्दी पहुंच जाऊंगा, आप निकल गई, आदित्य बाइक ड्राइव करते हुए बोला। तुम फोन रखोगी तब तो निकलूंगी ना, चलो अब लेट मत करो, जल्दी मिलती हूँ तुमसे, कहते हुए अदिति ने फोन रखा। आदित्य तय समय से पहले ही पहुंच गया और वहीं बाइक पर ही टिक कर अदिति का वेट करने लगा। वक्त गुजर रहा था, 6 बज गए, अदिति नहीं आई। 6:30 हुए, वो अब भी नहीं आई। उसने अदिति का नंबर ट्राई किया, वो बंद आ रहा था। अब घड़ी में 7, 8, 9, 10, पर अदिति वहां नहीं आई। 10, 20, 40 फोन कॉल्स कर चुका था वो, पर फोन बंद था उसका। आदित्य उसका इंतजार करता रहा। रात काली होती जा रही थी और आदि की आंखें गीली। आदित्य सोया हुआ था, उसके चेहरे पर सफेद रोशनी आ रही थी। वो उठा, देखा सामने बहुत से सफेद पर्दे लगे थे। वो उन्हें हटाते हुए अंदर जाने लगा। पर्दों की कई परतें लगी हुई थी। वो एक एक करके सबको हटाते हुए अंदर जाने लगा। उसने देखा सामने कोई खड़ी है, मुंह दूसरी तरफ किए, उसके बाल लहराते हुए कमर को छू रहे थे।
वो उसके पास पहुंचा और आवाज लगाई, कौन? वो हंसी वैसे ही जैसे अदिति हंसती थी। आदित्य खुश हो गया, उसने दोबारा आवाज लगाई, अदिति तुम हो? आदित्य खुश होकर उसके पास गया और उसे पलटा। उसने आदित्य का हाथ अपने सीने पर लगाया और धड़कने सुनाई। जैसे ही आदित्य ने उसका चेहरा देखा, वो जोर से चीख पड़ा। उसकी आंखें एकदम सफेद और चेहरे पर लकीरें उभर आई और वो ऊपर देखकर जोर से चीखे। आदित्य घबरा के उठ गया। पूरी रात में वही था, तू आई क्यों नहीं? माना कि कुछ मजबूरी रही होगी, पर क्या इतनी बड़ी कि बेवफा बनना पड़ा? उसके बाद 6 दिन जब तक यहाँ रहा, तुझे पागलों की तरह न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, कितने मेडिकल कॉलेज छाने, पर तूने अपना नाम तक तो पूरा बताया नहीं था, न मेडिकल कॉलेज का पता था। आदित्य की आंखें सूनी सी हो गईं। एक मलाल दिल में रह गया कि अदिति तुझसे प्यार करके कहीं कोई गलती तो नहीं की थी? क्या तू सच में थी या एक वहम मात्र? अदिति, अदिति क्या इश्क इतना कमजोर था मेरा? क्या तुझे जाने बिना तुझे जाने की सजा मिली है मुझे? देख, अब तेरी वजह से मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। तूने अपने ट्रस्ट इशू मुझ में डाल दिए हैं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनके एकदम से गायब। सुना था प्रेम कहानियों के अंत अच्छे नहीं होते, पर इतने भयावह की रात की नींद और दिन का सुकून सबको ही अपने साथ ले जाए। अब तो शेरो शायरियों को सुन के दिल बहला लेता हूं। सही कहा है किसी ने, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। पूरे 2 साल गुजर चुके थे, आदित्य आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। 1 साल की ट्रेनिंग और फिर दिल्ली पोस्टिंग के बाद उसका मुंबई में ट्रांसफर हुआ था। उस समय के बाद आदित्य मुंबई कभी नहीं आया था, अदिति से कभी बात नहीं हुई। हाँ, उसका फोन नंबर लाखों बार ट्राई किया गया। दिल ये मानने को तैयार नहीं कि वो धोखा दे गई, और दिमाग सुनने को तैयार नहीं कि वो सच्ची थी। इसका नतीजा ये था कि आदित्य का गुस्सा जहर बन के निकलने लगा था क्रिमिनल्स पर। मुंबई भी उसका ट्रांसफर उसके सख्त मिजाज की वजह से एक स्पेशल केस को सॉल्व करने के लिए किया गया था। आदित्य उठा किचन से ग्लास लेकर पानी पिया और अपनी 21वें फ्लोर से मुंबई को देखने लगा। अजीब लोगों का बसेरा है तेरे शहर में, अपने दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो अपने नहीं। वो देख ही रहा था कि उसका फोन बजा। जयहिंद सर, सामने से आवाज आई। जयहिंद, बोलिए। आदित्य एकदम भारी आवाज में बोला, सर मैं गणपत मात्रे बोल रहा हूँ, वो मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया था, कमिश्नर सर ने कहा था सुबह ही आपको ऑफिस लाने को, सामने से वो बोला। हाँ मात्रे, रुको मैं 10 मिनट में आता हूँ, कहते हुए आदित्य रेडी हुआ और नीचे पहुंच गया। देखा सामने हवलदार खड़ा था, प्रेस वाले के साथ गप्पे लगाने में बिजी था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ के हॉर्न मारने लगा। अरे बाप रे, कहते हुए हवलदार मात्री गाड़ी में बैठा और बोला, जैन सर। चल, आदित्य गुस्से में हाथ दिखाते हुए बोला। ऑफिस के रास्ते में मरीन ड्राइव दिखा, कितनी काली रात थी वो जिसने आदित्य को पूरा बदल दिया। अब लोगों पर भरोसा नहीं करता था वो। ये आदित्य उस आदित्य से एकदम अलग। आदित्य स्पेशल कमिश्नर ऑफ क्राइम ब्रांच से मिलने हेडक्वार्टर पहुंचा। कमिश्नर को जय हिंद करके सैल्यूट किया। कमिश्नर बोले, गुड मॉर्निंग आदित्य, जय हिंद एंड वेलकम टू मुंबई। सुनाए तो मुंबई आना नहीं चाहते थे? भाई ऐसा क्या नहीं है हमारे शहर में? कमिश्नर बोले। सर यहाँ कुछ भी नहीं है, आदित्य ने 2 टूक में जवाब दिया। सर मैं यहां से वापस जल्दी जाना चाहता हूं, उसने ऐसे ही लाल आंखों से उसे देखते हुए कहा। वेल, तुमने तो खबर टीवी पर देखी होगी, एक सीरियल किलर हमारे पुलिस ऑफिसर को मार रहा है, कमिश्नर बोले। कमिश्नर आगे बता रहे थे, पिछले साल से 6 पुलिस वाले मारे जा चुके हैं, सीरियल किलिंग का मामला है, इसलिए ये केस अब लोकल पुलिस से हैंडल नहीं हो रहा है और इसीलिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हारी टीम तैयार है,
मैं अभी सबसे तुमको मिलवाता हूँ। और उन्होंने फोन लगाया, ऑफिसर्स उनके रूम में आने लगे। इनसे मिलो, ये है सलीम खान, ये राहुल है, ये है कांस्टेबल गुप्ता। और खुशी, वो कहाँ है? कमिश्नर बोले। तभी रूम में हड़बड़ाहट में एक लड़की एंटर हुई। सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, बालों में जूड़ा बनाए, कानों में सफेद बूंदे, रिवॉल्वर को पीछे लगाते हुए उसने आते ही जय हिंद सर बोल करके सैल्यूट किया। खुशी, मीट आदित्य, आदित्य सिन्हा, तुम्हारा नया कमांडिंग ऑफिसर, कमिश्नर बोले। खुशी ने आदित्य को देखा और जैसे हाथ मिलाया, उसकी छुअन से करंट सा दौड़ गया खुशी के शरीर में। उस झटके को आदित्य ने भी महसूस किया। खुशी का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इससे पहले वो कभी आदित्य से नहीं मिली थी, पर फिर भी वो उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे उसके बारे में सब कुछ पता हो उसे। वो खोई ही थी कि कमिश्नर बोले, आप सभी को इसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं और ये मिशन तुम लीड करोगे आदित्य। एनी डाउट? नो सर, सभी ने एक साथ कहा। जाते हुए कमिश्नर बोले, और लोकल पुलिस की मदद चाहिए हो तो ले सकते हो। तो अब हम मरने वालों की मदद से मारने वालों को पकड़ेंगे, आदित्य ने जवाब दिया। तुम उनकी हेल्प के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। कीप देम इन्वॉल्व्ड, कमिश्नर बोले। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं उन्हें इन्वॉल्व कर लेता हूँ, वरना ये केस मैं और मेरी टीम खुद मैनेज कर सकते हैं, आदित्य बोला। एक चीज और, हमें जितनी जरूरत होगी हम उतनी ही हेल्प लेंगे, किसी ने ज्यादा चीज चपड़ की तो उल्टा लटका के ठोकूंगा, आदित्य एकदम हुड़ दबंग स्टाइल में बोला। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं आदित्य, खैर तुम्हें जो करना है करो, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। चाहे पुलिस हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, पर हम में से एक है और उन्हें कोई मार रहा है, कमिश्नर बोलते हुए बाहर जाने लगे। खुशी आदित्य को एक टूक देख रही थी। कमिश्नर जाते हैं, सारे उन्हें सैल्यूट करते हैं। कमिश्नर के जाते ही खुशी आदित्य के पास आई। सर, क्या हम पहले मिले हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आदित्य बोर्ड पर देखते हुए बोला, जहां केस की सारी इन्फॉर्मेशन लगी थी। सर, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं आपको जानती हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से, खुशी बोली। देखिए मिस खुशी, मुझे जानने में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए लोकल पुलिस स्टेशन जाकर इन्फॉर्मेशन निकालिए, आदित्य उसे देखकर बोला। सर, इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, खुशी ने कहा। एक साल लग गया, इसीलिए ये केस हमारे पास है। लोकल पुलिस की तरह बहाने मत बनाओ, जाके नट बोल्ट कस दो, 2 साल की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने साथ राहुल और गुप्ता को भी ले जाओ, और सलीम मुझे तुम्हारी जरूरत है, कुछ फाइल्स देखनी है, तुम आओ मेरे साथ। और हाँ, जाने से पहले सारे कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करवाओ, कहते हुए उसने फोन निकाला। ओके सर, कहते हुए खुशी और राहुल चले गए। वो दोनों फाइल्स में लगे थे। कुछ घंटों बाद उसे खुशी का फोन आता है। सर, थाना इंचार्ज पाटिल ठीक से कॉपरेट नहीं कर रहा है। सिर्फ एक थाना इंचार्ज है वो, सख्ती से बात करो, टाइम पास मत करो, जितनी जल्दी हो सके ये केस निपटाना है हमें, गॉट इट? वो रूडली बोला। सर, मैंने सब किया है, पर वो अपनी तून पे हाथ फेर के ना बस वड़ा पाव दबा रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा, बहाना बना रहा है, खुशी सामने से बोली। वही बहाने आप मुझे क्यों दे रही है मिस खुशी? ठीक है, कल सुबह मैं मिलता हूँ, आप भी तैयार रहिएगा, आदित्य घड़ी में देखते हुए बोला। लड़की काम वाम करती नहीं, कहां से पकड़ ले आए हो उसे? वो आगे बोला। सर, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और ट्रेनिंग बैचमेट भी, टॉपर भी है, पहले सब ठीक था, 2 साल पहले उसकी मेजर सर्जरी हुई थी सर, तब से वो थोड़ी बहकी बहकी है, बाकी काम उसकी तरह कोई नहीं कर सकता, सलीम बोला। तुम भी काम पे ध्यान दो जरा, रात हो गई है, तुम घर जाओ, मुझे भी निकलना होगा, कुछ काम है, आदित्य बोला। कल सुबह 8:30 बजे रेडी रहना, वो आगे बोला। और ऑफिस से बाहर निकलते ही महात्री से बोला, चलो घर। महात्री ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। आदित्य घर जा रहा था, थकान की वजह से उसने आंखें बंद की, उसे बेचैनी होने लगी।
उसे लगा जैसे अदिति बाहर से आवाज लगा रही है। उसने तुरंत आंख खोली और देखा तो बाहर सड़क पर कुछ नहीं दिखा। क्यों दिलो दिमाग में अपना घर बनाया हुआ है तुमने इस कदर? जीने भी नहीं दे रही, मरने भी नहीं दे रही। जब से यहाँ आया हूँ बेचैन सा हूँ। कसूर तेरे शहर का है या मेरे दिल का? सुनो महात्री, कुछ गाने चलाओ, वो बोला। हो सर, उसने कहा। वो घर पहुंचा और मैगी बनाकर खाई। घर से रीना जी का फोन आया। उसने कुछ देर बातें की और वहीं सोफे पर सो गया। उसे नींद आ गई। उसे लगा जैसे कोई ट्रक जोर से उसके ऊपर आया। वो हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा सुबह के 5 बज गए थे। आप नींद उसे आने से रहे। उसने एक्सरसाइज कंप्लीट की, अपनी चाय बनाई। तब तक महात्री आ चुका था गाड़ी लेकर। वो गाड़ी लेकर निकले और हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां खुशी से मिले, और खुशी तो जाने किस दुनिया में थी। आदित्य को देखते ही उसके अंदर की वीणा, मृदंग, सितार सारे वाद्य यंत्र बजने लगते। जैसे से जानती हो, इसकी बातें सुनी हो, और जब वो बोलता तो खुशी उसके इंस्ट्रक्शन सुनने की बजाय उसे बस निहारती। ये चीज सलीम नोट कर रहा था। पागल पागल हो गई है क्या? थोड़ा सन की आदमी है, इससे थोड़ा संभल कर रहना, सलीम ने खुशी से कहा। चुप कर, कोई सन की वन की नहीं है, खुशी उसे ताड़ते हुए बोली। वैसे तुझे इसमें अच्छा क्या लगा? सलीम ने पूछा। द वे ही टॉक, वो आशिकाना अंदाज में बोली। ओए कबीर सिंह देख के आये क्या? सलीम उसे हिलाते हुए बोला। वो झेप गई, उसकी चोरी जो पकड़ी जा चुकी थी। उसने खुशी, सलीम, राहुल और गुप्ता को साथ लिया, निकल पड़ा पुलिस थाने इंचार्ज के पास। थाना इंचार्ज पाटिल ने उसके पहुंचते ही सल्यूट किया। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सारी रिपोर्ट्स, पूरे 1 साल से तुम लोगों ने जो भी किया है सब कुछ, आदित्य कुर्सी पर बैठते हुए बोला। फाइल्स लाओ, पाटिल ने एक हवलदार को कहा। पूछताछ चल रही है सर। 1 साल से तुम पूछताछ कर रहे हो, अभी तक पूरी नहीं हुई, आदित्य ने उसे घूरते हुए बोला। उसने छेपते हुए इधर उधर देखा, फिर अपने हवलदार आपटे को कहा। अरे चाय वड़ा पाव लाओ, हमारी सीनियर है। हाँ आपटे, गरम गरम वड़ा पाव ला और डाल दे इसके पिछवाड़े में चटनी लगा के, आदित्य ने गुस्से में कहा। खुशी को हंसी आ गई। आदित्य ने उसे गुस्से में देखा, वो चुप हो गई। जाइए फाइल्स लेकर आइए खुद, वो गुस्से में पाटिल से बोला। सर, कहते हुए वो अंदर जाने लगा कि हवलदार फाइल्स लेकर आ गया। उसने फाइल्स आदित्य के सामने रखी। उसने फाइल्स देखी और नोट किया, क्रिमिनल एक पैटर्न में मर्डर कर रहा था, और फिर बॉडी पार्ट्स और लेटर एक बॉक्स में डालकर कभी स्कूल तो कभी मॉल में रख देता था, फिर पुलिस को फोन करके बताता था। लेटर कहाँ है, लाकर दीजिए, आदित्य बोला। जी सर, कहते हुए वो लेटर लेकर आया। आदित्य ने लेटर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, क्या करें साहब, काम कोई करता नहीं, शहर में बहुत कचरा हो गया है, उसे साफ तो करना ही पड़ेगा। और उन बॉक्स में बॉडी के पार्ट्स मिलते थे, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर। सारे पुलिस वालों को ही मारा उसने, या किसी और की भी जान ली है, आदित्य ने पूछा। सर एक डॉक्टर पर भी हमला हुआ था, पर वो बच गया, पाटिल बोला। जब कटे हाथों की फिंगरप्रिंट मैच कराई तो हमारे डेटाबेस से मैच होती थी, फिर पता चल पाया कि किसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, पाटिल बोला। आदित्य उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। सर चाय लीजिए, उसने कहा। आपने चाय लेकर आया, फिर आदित्य की आंखों को देखकर चुप हो गया। लाल लाल गुस्से में भरी आंखें। 2 साल से आदित्य मुस्कुराया भी नहीं होगा, वो बोला। दे दो तुम्हारे पाटिल साहब को, 15 मिनट से कुछ खाया नहीं, कमजोरी महसूस हो रही होगी इन्हें। पाटिल ने डरते हुए हाथ से आपटे को जाने का इशारा किया। और बॉक्स से कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, आदित्य ने पूछा। नहीं सर, जब तक हम लोकेशन पर पहुंचते लोग उसे घुमा घुमा कर सेल्फी लेते हुए मिलते, पाटिल बोलते बोलते डर से चुप हो गया। हाँ समय से पहले पुलिस पहुंचती कहाँ है, कुछ तो काम कर लिया करो तुम लोग, आदित्य गुस्से से भनभनाया।
मतलब लीड के नाम पे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, वो आगे बोला। बस यहाँ बैठ के वड़ा पाओ और समोसे ठूसते रहो। जब वो ऑफिस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिली कि एक और बॉक्स मिला है। इस बार आदित्य की टीम वहां पहुंची, मीडिया वहां पहले ही पहुंच चुका था। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।